हेलो फ्रेंड्स, सनराइज एजुकेशन ऐप में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं। सूचना सहायक की वैकेंसी के अंदर उसके जो एग्ज़ाम होगा उसमें कंप्यूटर पे बेस्ड है, वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए तैयार किया गया है। अन्य एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर पर आधारित है पूछे जाते हैं, जैसे SSC हो या और भी कोई एग्जाम हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यह काफ़ी महत्व रखता है। तो दोस्तों, इन वीडियोस में हम कंप्यूटर पे बेस्ड है वो लगभग 1.5 से 2 हज़ार क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चंस को करने के बाद शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बचे जो एग्ज़ाम में आए और इन क्वेश्चंस के अंदर वो न हो। तो दोस्तों, ये सीरीज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इन वीडियोस को सभी को लगातार देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो अधिकतर क्वेश्चन है इनमें जो पहले के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो एग्जाम में पहले पूछे जाते हैं वे क्वेश्चन ही आगे के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि वे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इन वीडियोस में मैं पहले हम कंप्यूटर के बारे में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में उस पर बेस्ड है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। तो आप इस इमेज में आप देख रहे हैं, ये एक कंप्यूटर है जिसमें देखिए क्या क्या आता है। ये मॉनिटर है, उसके बाद में ये सिस्टम यूनिट जिसे CPU बोलते हैं हम, स्पीकर्स हैं, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन जिसे हम माइक बोलते हैं। तो ये सभी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वह देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। ये जो कंप्यूटर कैबिनेट या जो CPU है, ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर तो यह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का समूह होता है। तो यह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है जो कि हार्डवेयर को ये बताता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर, गेम्स, कैलकुलेटर आदि। इसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर के दो तरह के पार्ट्स होते हैं, कौन से? ये तो इनपुट डिवाइसेज और दूसरी आउटपुट डिवाइसेज। तो इनपुट डिवाइसेज क्या होते हैं कि वे डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या इनपुट देते हैं एवं जिसको रिसीव करने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस कर डेटा को आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। तो इनपुट डिवाइसेज जैसे हम कीबोर्ड से लिखित जो इनपुट है वो कंप्यूटर को देते हैं, तो ये कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जिस भी डिवाइस के द्वारा हम डेटा कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाते हैं वह इनपुट डिवाइस है, जैसे जॉयस्टिक, ये गेमिंग डिवाइस है, माउस, माइक, माइक्रोफोन, कैमरा, ये टच टैबलेट या स्कैनर, कीबोर्ड, सब ठीक है। उसके बाद है आउटपुट
डिवाइसेज, ये वो डिवाइसेज होती हैं जिस पर कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो प्रिंटर हुआ, प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं तो वह आउटपुट है। तो ये आउटपुट डिवाइसेज हैं। हेडफोन साउंड के लिए साउंड प्रोवाइड करता है, स्पीकर, मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है ये मॉनिटर है, उसमें सॉफ्ट कॉपी हमें दिखाई देती है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो ऊपर बताई गई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज में से कुछ डिवाइसेज ऑप्शनल हो सकती हैं जिसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। देखिए, जो हमने बात की थी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज की, उनमें कई डिवाइसेज ऐसी हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है। जैसे इनपुट डिवाइसेज की बात करें तो स्कैनर हुआ, अन्य औजार भी हुआ, तो उसके बिना हम कंप्यूटर चल सकता है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो स्पीकर अगर ना हो तो भी कंप्यूटर पर काम चल सकता है। लेकिन कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर को यूज नहीं किया जा सकता, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव। तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ सकते क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर आप कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आगे के वीडियोस में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है या सिर्फ क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट कर हमें बताएं, ताकि आप जैसा कहेंगे वैसे उसी हिसाब से हम वीडियो बना सकें। उसके बाद में कंप्यूटर का परिचय, तो कंप्यूटर कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर फ्रेम कंप्यूटर। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और ये जो परम 10,000 है ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर में का मतलब ये क्या है, सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर है, सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं और इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जा सकता है। तो इसमें लैपटॉप्स वगैरह जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर ही आते हैं। मिनी कंप्यूटर होता है वो मध्यम आकार के, इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में अधिक होती है। तो इन्हें मुख्यतः छोटी या मध्यम स्तर की जो कंपनियां हैं वो मिनी कंप्यूटर का यूज करती हैं। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अत्यधिक बड़े, ठीक है, तो ये जो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से आकार में है वो बड़े होते हैं। इनको है वो बड़ी कंपनियां तथा बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यह एक कमरे के आकार के सर्वाधिक गति तथा क्षमता वाले सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। विश्व का सबसे जो प्रथम सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो के रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित है, क्रे फर्स्ट यानी CRAY फर्स्ट था। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो परम है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके जो कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है उससे संबंधित है वो क्वेश्चन से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में ब्लैंक शामिल होते हैं, यानी बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्कर में क्या क्या शामिल होते हैं। आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो ये जो क्वेश्चन है वो पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर प्रोसेस डाटा को आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जाता है।
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, रैम द्वारा, मेमोरी द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू द्वारा। उसके बाद है, प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, ये सभी। दोस्तों ये है सभी हैं, वो सामान्य क्वेश्चन हैं, वो हमको लगभग आते हैं, लेकिन उसके बाद हम आगे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप लगातार ये वीडियो देखते रहें। तो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? प्रोसेस्ड डाटा है उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ऑप्शन वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलते हैं। तो यह एक सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी, ये क्या काम में आता है? सिलिकॉन काम में आता है। उसके बाद है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो दोस्तों भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास है सी डेक ने किया था। ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती थी? तो दोस्तों सबसे पहले जब कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी उसमें जो डिवाइस यूज की जाती थी वह है वैक्यूम ट्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटरों को खाली स्थान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? तो पीसी को खाली स्थान के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइज और नेटवर्क। तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटरों को नेटवर्क के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो किसको? नंबर्स को, प्रोसेसर, इनपुट और डेटा। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। खाली स्थान कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि खाली स्थान से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सूचना, रिपोर्टिंग, डेटा और सूचना, सूचना और बिट्स, रिकॉर्ड्स और बिट। तो दोस्तों डेटा है वो कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स बताता है। इससे जो पहले क्वेश्चन था वो क्या था कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस द्वारा खाली स्थान को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में यानी पहले डेटा जो दिया जाता है उसको इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो डेटा है वो कच्चे तथ्य बताता है, जबकि इंफॉर्मेशन यानी सूचना से डेटा है वो अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेटा, सूचना।
नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर्स दो प्रकार के या तीन प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग, एक डिजिटल, और तीसरा होता है हाइब्रिड। एनालॉग जिसे जिसमें क्या है कि भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों के में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें भौतिक मात्राओं को। और डिजिटल कंप्यूटर में क्या है कि अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में जितने भी जो कंप्यूटर उपयोग किए जा रहे हैं लगभग वो डिजिटल कंप्यूटर हैं, और इन दोनों का जो मिश्रित रूप है वो क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन वन न्यूमैन, जोसेफ एम जेगवार्ड, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वॉन न्यूमैन। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने, वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट है, प्रथम गणना यंत्र है डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर और अबेकस। तो दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे कंप्यूटर की कुछ सामान्य परिचय से संबंधित कुछ सामान्य से क्वेश्चंस जो लगभग सभी को आते हैं। आगे की वीडियोस में भी हम इसी तरह टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कंप्यूटर के इसी प्रकार के वीडियोस व अन्य भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।